अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन आप देख रहे हैं बीपीबी यानी बोल पापा बोल। नाजरीन गिरामी, जन्नत में इंसान ने जब शैतान के बहकावे में आकर ममनुआ पौधा खाया और अल्लाह के हुक्म की अदौली की, तो जो पहली चीज़ इंसान से वापस ले ली गई वो उसका लिबास था। सोचने और गौर करने से पता चलता है कि लिबास वापस लिया जाना सजा नहीं थी, क्योंकि सजा तो ज़मीन पर भेजा जाना था। लिबास वापस लेने का मकसद आदम को ज़मीन पर रहने के लिए शर्म से रोशनास करवाना था। तभी ममनुआ फल खाने के बाद आदम को जो पहली चीज़ अता हुई वो शर्म थी, जिससे वो एक दूसरे की निगाहों से बचने के लिए अपने जिस्म को पत्तों से ढांपने लगे। कुर्रा अर्ज पर इंसान को हजारों साल बीत गए और ज़मीन पर रहने का पहला असूल जो इंसान ने सीखा यानी शर्म, वो इंसान की ज़िंदगी से निकल गया। इस बात का अंदाज़ा अब पड़ोसी मुल्क चीन में बरहीना शादियों के बढ़ते हुए रवाज से लगाया जा सकता है। नाज़रीन, ये एक इज्तिमाई बरहीना शादियों की तकरीब है। चीन में ये रवाज 2018 में इंटरनेट से शुरू हुआ, जो बेहद मकबूल होता जा रहा है। चीन की नौजवान नस्ल इस रवाज से बेहद मुतासिर है। ख़ास तौर पर 1980 की दहाई के बाद पैदा होने वाले अफराद इस रवाज के तहत बगैर किसी ठोस बुनियाद के बरहीना शादी करते हैं। बरहीना शादी करने वालों का कहना है कि इस तरह शादी करने का मकसद ना घर, ना गाड़ी, ना बैंक बैलेंस और ना ही शादी की तकरीब करना है, जिस पर बहुत पैसा खर्च होता है। चीन की वो आबादी जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रही है, बरहीना शादी का रवाज इस नस्ल में आम होता जा रहा है और उसे शादी का एक किफायती तरीका माना जाने लगा है, जो चीन में मुआशी तंगी के दौर में नौजवान को अपनी तरफ माइल कर रहा। नाजरीन, मुआशी तंगी के हाथों मजबूर चीन की नौजवान नस्ल ग्रुप्स की सूरत में बगैर लिबास, बगैर किसी कीमती तकरीब के और महंगे खाने के एक दूसरे से रिश्ता ज़वाजी में मुंसलिक हो रहे हैं, और ये रिवाज दुनिया के दीगर मुल्कों में भी मकबूलियत हासिल कर रहा है, जिसकी वजह से गुर्बत और मुआशी तंगी है जो दुनिया के चंद अमीर ख़ानदान बाकी दुनिया पर लगाना चाहते हैं, ताकि इंसान पर इनकी हुक्मरानी कायम हो। और ये हुक्मरानी इंसान से ज़मीन पर रहने का इसका पहला असूल है, और ये हुक्मरानी इंसान से ज़मीन पर रहने का पहला असूल शर्म छीने बिना कायम नहीं हो सकती। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल बीपीबी यानी बोल पापा बोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से कर लें। शुक्रिया दोस्तों।